सर, महाराणा प्रताप की भूमि मेवाड़, मेवाड़ से भी खबरें आ रही है और कई वेबसाइट ने ये छापा है कि वहां पर भगवा फहराने पर रोक लगा उस जगह पे जहां सरतन से जुदा करने का मामला सामने आया। राजस्थान में चुनाव होना है, अशोक गहलोत की कुर्सी हिल रही है कि सचिन पायलट कब उस पे कब्जा कर लेंगे। ऐसे समय में जिस तरह से राजस्थान की गहलोत सरकार तुष्टीकरण में राहुल गांधी के एजेंडे को भी पीछा छोड़ रहे हैं, ये खेल क्या है सर, ये पूरा खेल? मरीज ये तुष्टिकरण है। केजरी राजस्थान का मुख्यमंत्री, उसकी जो हरकतें हैं वो बिल्कुल साफ संकेत दे रही है कि जैसे अशोक गहलोत ने ठान लिया है कि राजस्थान को वो इस्लामी राज्य बनाना की ओर बढ़ रहा है, उसी तरह उसने कदम बढ़ा दिए। अभी बताता हूँ मरीज जी क्यों। ये मेवाड़ जो राणा प्रताप की भूमि थी, राणा प्रताप की धरती थी, जिनकी सेना भगवा ध्वज लेके चलती थी, वहां पे इसने कहा कि 2 महीने के लिए प्रतिबंध लगा दिया। दर्शकों को बता दूं, ये 5 तारीख का ये आदेश किया था हनुमान जयंती के दिन, ताकि हनुमान जयंती पे आप भगवा ध्वज न लगा सके और जो करेगा उसको जेल। और इसी अशोक गहलोत ने अभी कुछ दिन पहले जब होली थी तो होली पर मनीष जी इसने राजस्थान में धारा 144 लगा दी थी। तो ये हरकत तो पाकिस्तान में नहीं हो रही, तो जो समझिए सऊदी अरब है, जो इस्लामिक राष्ट्र है, वहां नहीं हो रही। तो ये अशोक गहलोत ने लगता है ठान लिया है कि वो अपना जाते जाते कुर्सी से विदाई से पहले राजस्थान को इस्लामिक राज्य बना देगा। इस्लाम घोषित नहीं करेगा लेकिन पूरी तरह से इस्लामिक राज्य होगा, जहां आप होली नहीं खेल सकते, होली की धारा 144 लगेगी, हनुमान जयंती पे या अन्य त्योहारों पर अपने मंदिरों पर आप भगवा ध्वज नहीं लगा सकते। तो लानत है मुख्यमंत्री पर। और उससे ज्यादा मनीष जी, इसको खोल दीजिए मनीष जी तो पूरी खबर दिख जाएगी, क्लिक कर दीजिए तो ये, हाँ ये देखिए दर्शक देख ले जरा, ये आज तक की चैनल की खबर है। मेवाड़ में भगवा ध्वज फहराने पर 2 महीने की रोक, गहलोत सरकार पर हमला और हुई बीजेपी। तो ये और वो कल्पना भी कर सकते हैं आप मेवाड़ में। जी, जो राणा प्रताप की जन्मभूमि है, उनकी कर्मभूमि है, और राणा प्रताप का कोई भी चित्र देखिए, पेंटिंग देखिए, उसमें उनके साथ भगवा ध्वज हमेशा रहता है, उनके चेतक के साथ। और उस जगह पर इस अशोक गहलोत ने भगवा ध्वज फहराने पर रोक लगा दिया। और सीधे सीधे वो तो मेरे पास वो भी पड़ी हुई है जो उनका नोटिफिकेशन है इस सूचना का, कि इसका उल्लंघन करने वाले को जेल भेज दिया जाएगा। जरा सोचिए कि ये तो पाकिस्तान में नहीं होता। और उसके बाद ये लोग कहते हैं कि साहब हिंदू मुस्लिम कर रहे हो, हिंदू मुस्लिम नहीं, वो तो पाकिस्तान बनाने, पाकिस्तान इस्लामी राष्ट्र बनाने जा रहा है उसको, राजस्थान को एक। और सबसे खास बात मनीष जी, फिर देखिए जरा गतिविधियां देखिए आप, इन्होंने किस तरह से खरीद रखा है बिल्कुल सर, उत्तराखंड जिस में तरह से एक। मेहुल जी कह रहे हैं कि ये दिन अब ऐसा लग रहा है कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस में कोई फर्क ही नहीं रह गया है, ये नहीं, एनआरआई मुस्लिम, साथी हम लोगों के। हाँ मुस्लिम, नहीं मेहुल जी आप थोड़ा संशोधन करिए, ये मुस्लिम लीग को इसने बहुत पीछे छोड़ दिया, मुस्लिम लीग को इसने बहुत पीछे छोड़ दिया। लेकिन जरा बड़े उस पे आ जाइए कि चीन से लगी सीमा पर 1,000 मजारे रातों रात, फर्जी मजारे। फर्जी मजारे तो सीधे सीधे कहिए कि दुश्मनों के लिए अड्डे, देश के दुश्मनों के लिए, देश उनकी फौजों के लिए अड्डे बनाए जा रहे हैं वो, इसके अलावा कोई उसका औचित्य नहीं है। और मनीष जी, जो पाकिस्तान से लगी सीमा पर राजस्थान है, वहां पे अशोक गहलोत को देखिए, वो होली खेलने पे प्रतिबंध लगा रहा है, वो भगवा ध्वज फहराने पे प्रतिबंध लगा रहा, मंदिरों पर नहीं फहरा सकते, सार्वजनिक स्थानों पर नहीं फहरा सकते, अपने घर पे नहीं फहरा सकते। तो ये हो क्या रहा है, ये बहुत बहुत चिंताजनक स्थिति है मनीष जी। ये आने वाले, हम आने वाले समय में कितने खतरनाक समय की तरफ बढ़ रहे हैं, भविष्य में कितने खतरनाक समय की बढ़ रहे हैं, कितना खौफनाक भविष्य है, उसका संकेत दे रहे हैं अशोक गहलोत और उत्तराखंड में 1,000 मजार बनाने वाले। और मैं बार बार कह रहा हूं कि ये छोटी मोटी घटना नहीं है, उत्तराखंड की घटना को पुष्कर सिंह धामी को एनआईए को सौंप देना चाहिए। उनका जितना कर्तव्य था, जितना दायित्व था, उसको उन्होंने पूरा किया। इन 1,000 मजार बनाने वालों को गिरफ्तार करके इनसे एनआईए पूछताछ करे तो एक बड़ा षड्यंत्र उजागर होगा इस देश में, ये कौन लोग थे, ये क्यों कर रहे थे।
और अशोक गहलोत तो संवैधानिक पद पे बैठा है वो आदमी, लेकिन उसको तो मनी जी एक इस पूरे घटनाक्रम के बाद एक सबक और है जो हिंदूवादी लठैत, मैं कहता हूँ हिंदूवादी गुंडे उचक के, बिल्कुल जो बिल्कुल बिल्कुल मोदी मोदी के आग उगल रहे हैं आजकल, हमको आपको बरगलाने की असफल कोशिश कर रहे हैं, यही हिंदूवादी गुंडे, यही उचक के, यही लफंगे, ये जो राजस्थान का चुनाव हुआ था, ये अशोक गहलोत मुख्यमंत्री पद का दावा ठोक रहा था, तो इन्हीं गुंडों ने, इन्हीं लफंगों ने जो हिंदुवाद का नकाब पहने थे, हिंदुवादी है ना, ये हिंदुवाद का नकाब पहन के गुंडे हैं ये, इन्होंने मनीष जी एक नारा दिया था राजस्थान में कि मोदी तुझसे बैर नहीं और वसुंधरा तेरी खैर नहीं, तो वसुंधरा को तो कुछ नहीं हुआ, वसुंधरा वसुंधरा को तो चिमटी से नहीं छुआ अशोक गहलोत ने, लेकिन राजस्थान की जनता को जरूर खून के आंसू रुला रहा है कि वो बिल्कुल होली भी नहीं, वो होली भी नहीं खेल पा रही है और अब वो भगवा ध्वज भी नहीं लहरा पाएगी, तो जरा सोचिए 5 साल कैसे। और दूसरी तरफ मनीष जी वही अशोक गहलोत जिस कांग्रेसी मुख्यमंत्री ईद वाले दिन सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ाकर जयपुर का मेन बाजार ठप करा देता है और घंटों वहां नमाज पढ़ी जाती है अलविदा की, घंटों वहां पे लाउड स्पीकर बजते हैं, फुल फुल वॉल्यूम पे बजते हैं और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को तार तार कर देते हैं, तो ये जो गुंडे आपको आपको बरगला रहे हैं 2024 के लिए, इनको एडवांस पेमेंट कर दिया गया है कि मोदी ऐसा है, मोदी तुष्टिकरण कर रहा है, मोदी तृप्तिकरण कर रहा है, और बेसिकली मोदी सर के ये वो दलाल हैं जो कांग्रेस में जिस तरह से खलिया खराबी हैं, ये वो हाँ। दलाल हैं जो बीजेपी की सरकार आई तो कुछ पा लेना चाहते थे, कुछ एजेंडा के तहत कुछ पा लेना चाहते थे, तो उन्हें मिला नहीं, तो अब बिल्कुल अब दूसरा एजेंडा चला रहे हैं। उन्हें मोदी वो वसुंधरा तेरी खैर नहीं वाले से इस सबक लेनी हाँ। चाहिए सबको। वो समझ लीजिए कि इनके बरगलाने में, इन्हीं टाइप के गुंडों लफंगों के बरगलाने में, कि वसुंधरा तेरी मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं, कितनी बड़ी कीमत पूरा हिंदू धर्म चुका रहा है, ये देश चुका रहा है, या आपने कन्हैया लाल की गर्दन कटते देखी, ये होली और नवरात्र और हनुमान जयंती में भगवा पे प्रतिबंध लगते देखा, और सबसे खास बात इनको नंगा कर दूं कि जाइए उन गुंडों का जरा यूट्यूब, उन गुंडों का जरा फेसबुक, उनका ट्विटर, उनका व्हाट्सएप चेक करिए, इन्होंने एक शब्द नहीं बोला है अशोक गहलोत के खिलाफ, ना होली में एक धारा 144 लगाने पर बोला था और ना अब भगवा ध्वज फहराने पर लगा, क्योंकि ये कांग्रेस द्वारा नकाब पहनाकर, हिंदुवाद की नकाब पहनाकर इनके मुंह में नोट ठूंस कर इनको भेजा गया कि तुम चल के अब हिंदुवाद का नकाब बढ़ो, ठेकेदार बन जाओ हिंदुओं के, मगर मैं इनके ये इस लायक भी नहीं कि मैं इनके विषय में बात करूं, लेकिन ये क्योंकि बरगला रहे हैं और इनके बरगलाने के दुष्परिणाम आप राजस्थान में देख रहे हैं, तो कांग्रेसी तो मैंने अभी जो मेहुल जी कह रहे थे वो बहुत हल्का करके कह रहे थे, मैंने कहा कि मुस्लिम लीग को मात दे चुकी है, ये आगे बढ़ गई, अब ये इस्लामी पार्टी बन गई है, जिसे आप कह सकते हैं आईएस आईएस या तालिबान की तरफ बनने की तरफ बढ़ रही है, इससे ज्यादा खुलकर मनीष जी कुछ हो ही नहीं सकता, और ये दोहरी मार कर रही है कि खुद इस तरह की हरकत कर रही है और दूसरी तरफ वो गुंडे उचक के लफंगे भेज दिया कि तुम हिंदुवाद की साल ओढ़कर, दुशाला ओढ़कर तुम हमसे ज्यादा नंगा नाच करो और केवल बीच में भेद पैदा करो, तो इसके लिए दर्शक सावधान हो जाए। बिल्कुल सर। और दूसरे हमारे ये भी एनआरआई साथी हैं यूरोप से, ये SB कह रहे हैं कि सर इसके जिम्मेदार बटा हुआ अति सेकुलर परम ज्ञानी हिंदू वोटर है जो सच देख के भी इन्हीं लोगों को बार बार वोट देता है। अब ये चीज ये इशारा इस लिहाज से कर रहे हैं कि देखिए कि ये खिलंदर जो ये जानते हुए अशोक गहलोत के तुष्टिकरण का क्या परिणाम हो रहा है, ये जानते हुए के एंटनी की रिपोर्ट ने कांग्रेस के वजूद की कांग्रेस की बर्बादी का क्या कारण है, ये तुष्टिकरण चूंकि एक मुश्त वोट पड़ता है उसका खेल। और जहां आप चोट मार रहे हैं हिंदूवादी लठैत के, ये सब वो बेसिकली दलाल हैं सर जो बीजेपी की दलाल जब है सरकार आई तो कुछ ना कुछ पा लेना चाहते थे, अब 5 साल में उनकी उम्मीदें खत्म हो गई है तो उन्होंने सोचा कि हम कुछ धमका देते हैं, हम तुम्हारा वोट काट लेंगे तो दलाली में कुछ ना कुछ इन्हें मिल जाए। ये बेसिकली दलाल है, लेकिन अच्छी बात है कि ज्यादातर NRI साथी हैं। अब ये जो एक दिवाकर पांडे जी भी हैं वो भी NRI हैं, वो लिख रहे हैं कि NIA ने कोलकाता में दो जिहादियों को 1800 डेटोनेटर और 27,000 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट के साथ पकड़ा। अगर आपको 2020 में बेरूत के धमाके याद हो, अमोनियम नाइट्रेट से ही हुए थे। मतलब ये चीजें अलग अलग ढंग से ये सब इशारा कर रहे हैं, और बाहर बैठ करके ये लोग इस देश को लेकर के इतनी चिंतित हैं। जो NRI साथी हैं इनकी संवेदनाओं को समझना बहुत जरूरी है। नहीं नहीं मनीष जी, दिवाकर जी को यह कह दूं कि मैंने अभी हमने 10 मिनट पहले क्या कहा कि जब उत्तराखंड में स्थिति है कि 1,000 मजारे,
तो बांग्लादेश से लगी पश्चिम बंगाल में क्या स्थिति होगी, ममता बनर्जी की करतूतें हम सब जान रहे हैं, देख रहे हैं 2011 से, तो वहां स्थिति और भयावह होगी मनीष जी, और भयावह होगी। मगर वो तो वहां वो बैठी हुई है, क्या किया जाए उसको। बिल्कुल, और इसीलिए हम सबको समझने की है कि उन सब की पहचान कीजिए जो सनातन की राग में ओढ़ करके जो भारत के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। ये सब उस ढंग के वो दलाल हैं जो सत्ता और सिस्टम में, जिस तरह कांग्रेस, जैसे मेरा एक दोस्त था ना, मैंने कई बार कहा कि वो कहा करते थे, मनीष जी कांग्रेस की सरकार आ जाएगी तो हम सब सेट हो जाएंगे। ये सेट होने की जो परियोजना जिनकी फेल हो गई, जो बीजेपी के खुद कार्यकर्ता बनकर के पत्रकारिता कर रहे थे, वो सब अब एजेंडा चला रहे हैं मोदी विरोध का। तो समझना होगा कि असली खेल क्या है, इस खेल को समझना बहुत जरूरी है।